रोज वैली के निवेशकों और वर्करों ने कंपनी द्वारा पैसे ना दिए जाने के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी तो पैसे देना चाहती है पर सरकार पैसे नहीं दिलवा रही है। हम आपको आज रोज वैली की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं कि क्या वजह है जो रोज वैली के जो वर्कर्स है उनको अभी तक पैसे नहीं मिल पाए, सरकार है या फिर कंपनी है। और अभी हमारे साथ धनंजय चंद्रवंशी जी है जो कि रोज वैली के एम्प्लॉय हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वजह क्या है। धनंजय जी, कंपनी आपके पैसे तो देना चाह रही है, अकाउंट में ही पैसे आ गए लेकिन अभी तक जो है वो पैसे आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह क्या है? जी इसकी वजह ये है कि आज कंपनी तो पैसा देना चाह रही है। एक तरफ गौतम कुंडू जेल में है जो चेयरमैन है कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर भी जेल में है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो प्रवर्तन निदेशालय है उन्होंने 800 करोड़ रुपया कंपनी के अकाउंट से जब्त करके उन्होंने बिना किसी न्यायालय के परमिशन के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, ये बात हमें पता चली है। इसके अलावा रोज वैली कंपनी ने होटल इंटरटेनमेंट के अकाउंट से और भी कुछ राशि, जो इद्रिजा गोल्ड चल रही है अभी कंपनी का एक और कंपनी है, उसमें कुछ पैसा इन्होंने दिया है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि लगभग 2200 करोड़ रुपया जो है वो इद्रिजा गोल्ड के पास है, तो लिक्विड अमाउंट भी है और साथ ही साथ 23 होटल है रोज वैली का, 7000 बीघा जमीन है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारे पैसे होने के बावजूद भी आज आम जनता को, आम निवेशकों को, गरीब लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। और इसका एक वजह मैं मानता हूं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जब माननीय न्यायालयों ने इनको आदेश दे दिया है कि 3 महीने के अंदर अपना जांच रिपोर्ट पेश करें कोर्ट में, तो जैसे ही 3 महीने पूरा होता है ये कोर्ट में जाकर के ये कह देते हैं कि हमारी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। और 3 महीने क्या, 1 साल 3 महीने बीत गए, इनकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।